हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतूज कुकिंग हब। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी होली आने वाली है और उस दिन हम लोग कुछ मीठा बनाते हैं, और इसीलिए मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ 6 तरह की खीर की रेसिपी। और आज मैं बनाने वाली हूँ बनाना खीर, राइस खीर, ड्राई फ्रूट खीर, जैगरी खीर, शुगर केन खीर और पनीर की खीर। ये सभी खीर बहुत यूनिक है, बनाने में बहुत ईजी है और खाने में काफ़ी यमी है। इस एक खीर की रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में बना सकते हैं, बहुत ही क्विक बन जाती है। तो चलिए इस यमी से खीर की रेसिपीज को बनाते हैं। और अभी हम लोग बनाएंगे सबसे पॉपुलर खीर, जो सबको पसंद है, वो है चावल की खीर। तो चलिए इसे बनाते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है कुछ ड्राई फ्रूट्स, 3-3 चम्मच कट किए हुए ये ड्राई फ्रूट्स हैं, और 1/2 कप चावल लिया है मैंने। चावल को 2 से 3 घंटे तक भिगो के रख दिया था मैंने। अभी इसका पानी निकाल दे रही हूँ मैं। और यहाँ पे पैन में मैंने 3 बड़े चम्मच घी लिए है। घी में मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लूंगी। और ये हमारा ड्राई फ्रूट सभी भून चुका है। और उसी घी में हम लोग चावल को भी भून लेंगे। एकदम लो फ्लेम पे चावल को भूने। और ये हमारा चावल भून चुका है, तो हम लोग इस चावल में से 2 चम्मच चावल को निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध को हमें लगातार चलाते हुए गर्म करना है। और यहाँ पे जो चावल हमने निकाला था उसमें 10 से 15 काजू डालेंगे, 3 से 4 बड़े चम्मच दूध के डालेंगे, और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे हम लोग। और ये हमारा पेस्ट रेडी है और दूध भी उबल चुका है, तो हम लोग जो चावल बचे हुए हैं उसको डाल के अच्छे से पका लेंगे। इसे रेगुलर चलाते रहें। साइड में जो हमारे क्रीम लग रहे हैं, छाली जो बन रहे हैं,
उन्हें भी हमें निकाल के अंदर डालते जाना है। और ये हमारा चावल पक चुका है, आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने जो पेस्ट बनाया है काजू और चावल का, अभी उसे हम लोग इसमें डाल देंगे और डाल के 2 से 5 मिनट तक हम लोग इसे पकाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इसे डालने के बाद हमारा खीर कितना क्रीमी दिख रहा था। और इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच डालेंगे हम लोग चीनी के। ये हमारा देखे रबड़ी टाइप का एकदम खीर रेडी है। और ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ मैं थोड़े से, 1 टीस्पून छोटी इलायची पाउडर डाल रही हूँ मैं। और इसे डाल के हम लोग चला लेंगे। और ये हमारा खीर रेडी है, आप देख सकते हैं कितना क्रीमी दिख रहा है, एकदम रबड़ी के जैसा। और काजू और चावल का जो मैंने मिक्सचर डाला है वो इसका सीक्रेट ट्रिक था, जो आप जरूर इसे ट्राई करें। अभी हम लोग बनाएंगे ड्राई फ्रूट खीर। खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और मखाने लिए हैं। इनको हमें दरदरा पीस लेना है। ये 15-15 पीसेज हैं। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीसा है इसे हमें भून लेना है थोड़ा सा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 750 ml मिल्क। मिल्क को हमें उबाल लेना है। और ये मिल्क अभी उबल चुका है तो हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल देना है। और इसे इतना पकाएं कि मिल्क हमारा 1/2 लीटर हो जाए। और ये खीर बहुत ही क्विक बन जाती है, आप चाहे तो, मन नहीं है तो आप इसे पी भी सकते हैं। और चीनी मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच डाले हैं। थोड़े से केसर मैं डाल रही हूँ, केसर चाहे तो आप अलग से भी दूध में मिक्स करके डाल सकते हैं। छोटी इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून डाला है मैंने। इन सब चीज़ों को भी डाल के आप मिला लें अच्छे से। थोड़ी सी ऊपर से चिरौंजी डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। और ये हमारा खीर रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा खीर रेडी है, बहुत ही जल्दी और काफी यम्मी ये बनता है। और अभी हम लोग बनाएंगे पंजाब की स्पेशल खीर, जो कि गन्ने के रस में बनाई जाती है। इसमें दूध नहीं डाली जाती है, फिर भी ये काफी टेस्टी बनती है। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 लीटर के करीब गन्ने का रस। और यहाँ पे मैंने लिया 100 ग्राम गोविंद भोग राइस और 1/4 कप लिया है मिल्क। ये मिल्क खीर बनाने के लिए नहीं है फ्रेंड, इसे हम लोग इसकी जो गन्ने का रस है उसमें जो मैली होती है उसे क्लीन करने के लिए हमें इसे डालना है। तो अभी मैंने पैन को चढ़ा दिया है स्टोव पे और ये गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये गर्म होगा इसमें से जो ये मैली निकलेगी इसे हमें निकाल के फेंक देना है। तो अभी मैंने ये दूध को भी डाल दिया है, जब आप दूध डालेंगे तो वो और ज़्यादा मात्रा में निकलेगा और हमारा जो रस है वो एकदम क्लीन हो जाएगा। और हमें कुछ देर तक इसे गर्म करते हुए ये सारी जो मैली है उसे निकाल देना है। और ये देखिए कितनी मात्रा में ये निकली है और रस एकदम क्लीन हो चुका है। तो इस टाइम पे मैंने चावल को धो के रख दिया था पहले ही 10 से 15 मिनट पहले। और अभी हमें इसे डाल के अच्छे से पकाना है जितने देर में हमारा खीर पक जाए। 10 से 15 मिनट आपको लो मीडियम फ्लेम पे टाइम लगेगा इसे पकाने में। और 6 से 7 मिनट हुए हैं पर ये अभी तक देखिए आप अभी आधा कच्चा है। तो मैंने इसे पका लिया है और 14 मिनट के बाद ये खीर एकदम रेडी हो गई थी। इस टाइम पे मैंने यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है। और आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, मैं बस गार्निश कर रही हूँ इसे ड्राई फ्रूट से। और ये हमारा गन्ने की रस का खीर एकदम रेडी है। अभी हम लोग बनाएंगे गुड़ की खीर। खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/4 कप चावल और 1/2 कप गुड़ लिया है। चावल को मैं भीगने के लिए डाल रही हूँ और गुड़ को मैं पिघलने के लिए पानी डाल के उसे रख रही हूँ। गुड़ को हमें एकदम अच्छे से पिघला लेना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है। यहाँ पे फुल फैट मिल्क लिया है मैंने।
और इसे आप कंटिन्यू चलाते रहें। खीर बनाने के लिए कभी भी आप मोटे तले का बर्तन यूज करें। और चावल को मैंने 1-1.5 घंटे पहले रख दिया था और उसे हाथ से देखे आप मैंने तोड़ दिया है, ऐसा क्रश कर लें। और दूध उबल चुका था तो यहाँ पे चावल डाल के हमें चावल को अच्छे से पका लेना है फ्रेंड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खीर पक चुकी है, मतलब चावल गल चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट लग रही है मुझे। तो अभी ना खीर को हमें थोड़ा ठंडा होने देना है, पूरा ठंडा नहीं, थोड़ा सा गुनगुना जब खीर हो जाएगा तब हमें उसमें ये गुड़ डालनी है। एकदम से गर्म खीर में मत डालें, नहीं तो खीर आपका फट जाएगा। और यहाँ पे मैं गुड़ डाल दी हूँ, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और आधी छोटी चम्मच छोटी इलायची पाउडर डाल के और लो फ्लेम पे गैस स्टोव को ऑन करके आप मिक्स कर लें आधे मिनट तक। और हमारा खीर बिल्कुल पूरी तरह से रेडी है। और हमारा गुड़ भी ऐसा डार्क गुड़ नहीं था, कोई कोई गुड़ एकदम से ब्लैक टाइप का होता है तो खीर का कलर भी चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं चीनी के खीर में और गुड़ की खीर में आपको कोई डिफरेंस नहीं लग रहा होगा। तो आप इस गुड़ के खीर की रेसिपी को ट्राई करें और बताएं मुझे आपको कैसी लगे। अभी हम लोग बनाएंगे केले की खीर। केले की खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 10 बादाम और 10 काजू को 2-3 घंटे पहले पानी में भिगो दिए थे। छिलके निकाल के इसे हम लोग इसका पेस्ट बना लेंगे, एकदम बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। अभी मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, पैन में मैं 750 ml दूध ले रही हूँ। दूध को हमें तब तक उबालना है जब तक कि ये 500 ml ना हो जाए। यहाँ पे मैं थोड़े से केसर के धागे भी डाल रही हूँ और इसे मैं कंटिन्यू चलाते रहूंगी। और अभी आप देख सकते हैं कि दूध की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है। तो अभी हम लोग इसमें काजू का पेस्ट जो हमने बनाया था, काजू और बादाम का, वो हम लोग इसमें डाल देंगे और उसे डाल के हमें 2 मिनट तक पकाना है। और अभी हमें उसे भी डाल के चलाते रहना है, रुकना नहीं है बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया है मावा, उसे भी मैं हाथ से क्रश करके डाल रही हूँ। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, आप दूध ही 1 लीटर ले लें, उसे जला के आप 1/2 लीटर बनाएं और खीर बना सकते हैं आप। और मावा को डाल के भी मैंने अच्छे से पका लिया है। और अभी मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, शुगर मैंने 4 चम्मच लिया है, बड़ी चम्मच। आप चाहें तो अगर कम या ज्यादा कर सकते हैं इसे। और ये अभी हमारा खीर का दूध रेडी है। अभी मैं इसे एक बाउल में निकाल ले रही हूँ और इसे ठंडा करना है हमें। यहाँ पे मैंने 1 केले को मैश कर लिया है। ये केले बड़े साइज के थे, अगर आप छोटे केले यूज करें तो 2 डालें मैश करके। और 1 केले को मैं कट कर रही हूँ बारीक टुकड़ों में। और हमारा दूध अभी ठंडा हो चुका है तो हम लोग इसमें केले को डाल देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं मैंने, आप अपने पसंद का ड्राई फ्रूट्स डालें। थोड़ी सी इलायची पाउडर डाली है, आधी छोटी चम्मच। और जो कटा हुआ केला था वो भी मैंने डाल दिया है इसमें। और मिक्स कर लें। अब मैंने इसे रोज पेटल से गार्निश किया है और ये हमारी केले की खीर रेडी है। और ये हमारी 6 तरह की खीर की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो आप इसे होली दिवाली या किसी भी फेस्टिवल में बनाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।